बात करते हैं बिहार के सीवान वाले शहाबुद्दीन की, जिन पर लग गया है चंद्रा बाबू का ग्रहण। इनके तीन बेटों की हत्या का इल्जाम शहाबुद्दीन पर है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और प्रशांत भूषण ने इनकी जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल कर दी है। हमारे अगेंस्ट कहां कोई रहा है जी, परेशान उसको किया जाता है जिस जो परेशान होता होगा। हम तो परेशान किसी चीज से होते ही नहीं, जो हमारे अगेंस्ट होता है वो अपने आप अगेंस्ट होता है, खुद के अगेंस्ट होता है। जो हमारे खिलाफ है वो अपने खिलाफ है, यही तो बात है शहाबुद्दीन साहब, जिसकी वजह से आप खौफ का पर्याय कहे जाते हैं, धमकी भी किस अदा से देते हैं। चंदा बाबू के एक बेटे में मुझे सजा हुई, उसमें जमानत हुई, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि उस वक्त तक मैं जेल में था। बीजेपी को न चंदा से प्रेम है, न रायदेव रंजन जी से प्रेम है, प्रेम नहीं है, मेरे निकलने से उसको कष्ट है। बीजेपी के पेट में दर्द है तो आपकी वजह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के सिर में दर्द है। नतीजा देखिए, तमाम बचाव के बावजूद आज बिहार सरकार को आपकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। साथ में चंदा बाबू के वकील भी गए, जिनके बच्चों के हत्याकांड में आप आरोपी हैं, जिनका ग्रहण आपको डसे जा रहा है। अगर फिर भी हाईकोर्ट बेल देता तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट अपील में आ सकते थे। अगर तुरंत आ जाते, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता, शहाबुद्दीन जेल के बाहर ना आ पाता। कानून अपना काम करेगा? नहीं, अपना देखेगा सरकार क्या कर रहा है, और ये नहीं ले लिया तो किस क्या करें हम, इस पर क्या बोले। उधर आपके गुर्गे बंटी के घर में कुर्की भी हो गई है, जो पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में वांछित अपराधी है और फरार है। पटना से प्रकाश कुमार के साथ दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। चले, बड़ा सवाल है कि इस चंद्र ग्रहण से शहाबुद्दीन अब बचेंगे कैसे।